साथियों नमस्कार, अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। फार्म प्रबंधन के भाग दो में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार मैंने जो अपने बाउंड्री बनाई है उसको किस प्रकार सजाया है। ये देखिए, ये मैंने लगभग 2.5 साल पहले नींबू के पौधे लगाए थे जो कि 5 से 10 रुपए का पौधा आ जाता है हर 2 फीट पर, और ये देखिए कितनी घनी बाड़ हो गई है इसकी। अगर आप देखें तो इसमें कोई भी जानवर नहीं घुस सकता। देखिए कितने बड़े बड़े कांटे हैं इसमें, और इस प्रकार ये देखिए इस साइड का मैंने अच्छी तरह से सदुपयोग किया है। आप भी इस प्रकार अपनी बाड़ बना सकते हैं, ये देख लीजिए। ये मेरा उत्तर का सिरा है और यहाँ पर ये देखिए मैंने नीचे एक ड्रिप लाइन लगाई हुई है जो कि इन लाइन ड्रिप है, और आपको पानी टपकता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार इसके पानी की रिक्वायरमेंट पूरी करी। किसान साथियों, मेरी बराबर में जो किसान है उसने ये पॉपुलर के पेड़ लगाए हुए हैं, इससे कुछ पौधे कम चले हैं पर फिर भी देखिए कितनी अच्छी बाड़ है। और पिछले साल इसमें कुछ नींबू भी आए थे, 10-12 नींबू मुझे मिले थे, और मुझे उम्मीद है कि अगले 3 साल में इस पर नींबू लगेंगे। इसकी बहुत ज़्यादा देखभाल मैंने नहीं की थी तो कुछ जगह से पौधे सूख भी गए हैं, और ये देखिए अब मैं इसको अच्छी तरह से इसकी कटिंग कराकर इसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और बोर्डो मिश्रण कराऊंगा, क्योंकि कुछ जगह पर ये देखिए कैंकर है, तो इन सभी सूखी टहनियों को कटवाऊंगा। और इस प्रकार ये देखिए ये कितनी अच्छी बाड़ है, आप इसका घनापन देखिए। जहाँ तक ये पॉपुलर के पेड़ हैं ये थोड़ी कम है वहाँ तक, और उसके बाद मैं दिखाता हूँ। ये देखिए किसान साथियों, हर 2 फीट पर अगर आप तार बाड़ कराने के बाद में आप ये देखिए, मैंने 10 फीट पर पिलर लगवाए हुए हैं, ये देखिए 10 फीट पर हैं, और इसमें 5 तार सीधे हैं और 2 क्रॉस किए हुए हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ और पेड़ हैं वो लगवा दूँगा जहाँ बचा हुआ है, ये देखिए। और इस प्रकार ये मेरी बाड़ तैयार है, 2 साल में बहुत अच्छी बाड़ हो गई। और इधर से जो नील गायें वगैरह आती थी उनका बंद हो गया आना, मुख्यतः इधर से ही आती थी, और ये देखिए कितनी अच्छी। ये देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पूरी बाड़ नज़र आएगी आपको, और देखिए मेरे से भी ऊपर तक हो गए हैं। अगर मैं हाथ उठाता हूँ अपना तो देखिए मेरे हाथ तक हैं ऊपर तक, ये तो कम से कम 7 फीट की ये बाड़ है हो गई है मात्र 2.5 वर्ष में। किसान साथियों, ये पौधा बहुत महंगा नहीं आता है, ये देसी पौधा होता है बीज से तैयार किया गया, और ये 5 से 10 रुपए तक आपको मिल जाएगा, और हर 2 फीट पर लगा दीजिए और 1 साल के अंदर ही ये आपको 2 फीट की या 3 फीट की बाड़ मिल जाएगी। देखिए कितनी अच्छी बाड़ है यहाँ पर, ये देखिए अगर आप देखें, ये देखिए, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद ये मेरा पश्चिम का सिरा है जिसमें आप ये देखेंगे मैंने कुछ 15 फीट पर ये बेल का पेड़ है, ये सहजन का पेड़ है, और ये मेरा एक खेत है नीचे सरसों का, इसमें मैंने उत्तर की तरफ और पश्चिम की तरफ बांस लगाए हुए हैं हर 15 फीट पर, जो कि अभी 1-2 साल में बहुत अच्छे हो जाएंगे। और ये देख लीजिए आप ये पूरा किस तरह से मैंने इसको बनाया हुआ है। ये कटहल का पेड़ है, ये अगस्त में लगाया था, इसके बाद फिर ये बेल का पेड़ है, आज मैंने इनमें जीवामृत डलवाया,
ये देखोगे आप जो अगर इसे ध्यान से देखोगे तो एक एक लीटर जीवामृत डलाकर पानी दे दिया। इनकी खुदाई कराई हुई थी पहले से ही। ये भी बेल का पेड़ है जो कागजी बेल है, ये देखिए आप इनको। और ये फिर कटहल के पेड़ हैं जो कि मुझे कुछ वर्ष बाद अच्छी फसल देंगे। ये देखिए और ये यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक देखिए। ये मेरे फार्म की जो है एंट्रेंस है और इस प्रकार यहाँ से एंट्रेंस करते हैं। और ये देखिए इस तरह से सामने की तरफ। तो किसान साथियों, आप भी इस प्रकार बाड़ लगा सकते हैं और अपने फार्म की रक्षा पशुओं से कर सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।